वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है लेबर कमीशन और लेबर कमीशन की रिकमेंडेशंस। यदि हम बात करें लेबर के फील्ड में, तो लेबर कमीशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो लेबर्स की जो करंट प्रॉब्लम है, क्रूशियल प्रॉब्लम है, उनको देखता है और उन प्रॉब्लम्स के लिए वो फंक्शन भी परफॉर्म करता है। वो इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाता है जिसमें उस तरीके के डिसीजन लेता है कि जो लेबर के वेलफेयर के लिए हों। तो हम देखें तो जो लेबर कमीशन है उसका डेवलपमेंट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स जो है एस्टेब्लिशमेंट करती है। और यहाँ पे लेबर कमीशन का काम क्या रहता है कि जैसे आप देखें तो कुछ एस्टेब्लिशमेंट रहते हैं जहाँ वर्कर या मैन पावर के लिए जो कैंटीन की फैसिलिटी नहीं होती, तो वहाँ चेक करना कि नंबर ऑफ वर्कर एक लिमिट के बाद हैं तो वहाँ पर कैंटीन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए। ऐसे आप देखें तो रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी है, इसके अलावा क्रिएशन ऑफ एमिनिटीज है, और इसके अलावा जो वर्कर्स हैं फीमेल वर्कर्स हैं, फीमेल वर्कर्स के जैसे हम देखें जहाँ पे 30 या उससे ज़्यादा वुमन रहती हैं तो वहाँ पे क्रेज की फैसिलिटी भी दी जाती है। जहाँ पे आपकी जो है वर्किंग वुमन है और उनका बेबी है तो उसको वहाँ पे क्रेज पे ले जा सकते हैं। तो उस क्रेज के अंदर जो बच्चों को संभालने वाले जो रहते हैं वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को कैसे संभालना है। उस क्रेज के अंदर वो वुमन है वो दिन में 4 बार अपने बच्चे से मिल सकती हैं। तो ये भी एक सजेशन है लेबर कमीशन का। इसके अलावा एम्प्लॉय की जो लायबिलिटी है उसका उसके लिए डिलीटेशन ऑफ एम्प्लॉयर लायबिलिटी एक्ट 1938 लाया गया, फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1885 लाया गया। इसके अलावा जो हमारे एक्ट थे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसको हम सोशल लेजिस्लेशन के अंदर एक हम ओल्डेस्ट एक्ट मानते हैं, वो भी उसके फील्ड के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन के लिए वर्क कर रहा है। इसके अलावा यदि कमीशन ने ये भी सजेस्ट किया है कि वर्कर की सोशल सिक्योरिटी पर हमें ध्यान देना है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि वर्कर्स को जॉब से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड जो भी है, जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग उसको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है वहाँ पे वर्कमैन टर्म्स को रिप्लेस किया गया है एम्प्लॉय टर्म्स से। अब हम जो है वर्कमैन वर्ड कम यूज़ में लेते हैं, हम एम्प्लॉय वर्ड ज़्यादा यूज़ में लेने लगे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो कोई भी पर्सन है वो किसी भी नेचर ऑफ एम्प्लॉय के अंदर है। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग क्लास के एम्प्लॉय होते हैं, जैसे आप देखें स्किल्ड है, सेम स्किल है, अनस्किल्ड है, तो जो भी उस पर एप्लीकेबल प्रोविजंस है उसके बेनिफिट उसको मिलने चाहिए, उस क्लास के बेनिफिट उसको मिलने चाहिए जिस क्लास से वो बिलोंग करता है। फिर हम देखें वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर एम्प्लॉय लाइबिलिटी स्कीम के बारे में हमने पढ़ा था। ऐसे सोशल स्कीम्स को भी लाया गया एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए, डिफरेंट क्लास ऑफ एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए सोशल स्कीम को लाया गया। हमने ऐसी ESI एक्ट स्कीम भी पढ़नी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को भी लाया गया। फिर हम देखें PF एक्ट जो है वो ओल्ड क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पर जो है विद कंडीशंस अप्लाई किया गया। ऐसे ही जो आपका कमीशन है उसने सजेस्ट किया था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगा, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होके वर्क करेगा, वो आपका EPF एक्ट भी लाया गया। यदि हम पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी की बात करें तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी के अंदर ये रखा गया कि जो एम्प्लॉय है कितने टाइम तक जो है वो वर्क करेगा तो उसको ग्रेजुटी मिलेगी, और ग्रेजुटी की कैलकुलेशन करते समय जो फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, किस फैक्टर से ग्रेजुटी की कैलकुलेशन की जाएगी। तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंदर इन चीज़ों को बताया गया कि यदि कोई एम्प्लॉय मिसकंडक्ट करता है, जैसे आपका थेफ्ट वगैरह है, तो आपका इस तरीके का बिहेव करता है तो उसकी जो ग्रेजुटी है वो फोरफिटेड हो जाएगी। फुली फोरफिटेड क्या होती है, पार्शली फोरफिटेड क्या होती है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो एम्प्लॉई हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ ग्रेजुटी की कैलकुलेशन क्या होगी। तो इन सब चीज़ों को हम पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। ऐसे ही हम देखें कि जो भी एम्प्लॉई है वो जॉब से सिक्योरिटी चाहता है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम को भी क्या दिया, क्या क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। हम देखेंगे कि फरवरी 1992 में जो वेज गारंटी के लिए एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम क्या था, नेशनल रिन्यूएबल फंड। तो नेशनल रिन्यूएबल फंड वॉज एस्टेब्लिश इन फरवरी 1992 टू प्रोवाइड ए फॉर्म ऑफ वेज गारंटी। तो वेज गारंटी के लिए भी हमने NF
NRF जिसको हम बोलते हैं नेशनल रिन्यूअल फंड को इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दी गई, रीट्रेनिंग दी गई जॉब पर बने रहने के लिए, रीडिप्लॉयमेंट काउंसलिंग, ये सब चीज़ें एम्प्लॉय को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। और वो एम्प्लॉय जो अपनी सर्विस पीरियड को पूरा नहीं करना चाहते, वो कुछ टाइम पहले सर्विस छोड़ सकते हैं, तो उनके लिए वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम को भी लाया गया। वेजेस गारंटी के साथ साथ आपके जो है मिनिमम वेजेस की गारंटी के साथ साथ PRS भी लाएगा। फिर हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस। जो हमारे एम्प्लॉई हैं, जैसे हम देखें तो एम्प्लॉई को डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस मिलते हैं, तो उसमें एक पेमेंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस को भी ऐड किया गया। एम्प्लॉई कोई के साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं हो, जैसे आपने कभी देखा हो ड्यू टू एक्सीडेंट या फिर किसी दुर्घटना के कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में एम्प्लॉई की सिक्योरिटी पर ध्यान दिया गया कि उसको इस तरीके की रिस्क से बचाया जा सके, ठीक है ना। उसकी सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, इन वेलफेयर के लिए इन सब प्रोविजंस को फैक्ट्री एक्ट के अंदर ऐड किया गया। और कुछ एम्प्लॉय इस तरीके के होते हैं, सपोज़ मान लीजिए फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो उनके लिए न्यू नेशनल स्कीम फॉर पेंशंस को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर है आपका पेमेंट ऑफ पेंशंस के अंदर हमने कुछ अफेक्टेड पर्सन रहते हैं, मेंटली सिक पर्सन रहते हैं, उनके लिए पेंशंस, फिजिकली के लिए तो हमने बात की थी, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, मेंटली हैंडीकैप है उनके लिए भी इस तरीके से हमने क्या की पेंशन इंट्रोड्यूस की, ये सजेशंस दिया था कमीशंस ने। फिर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, ठीक है ना, और एम्प्लॉय को इस तरीके की जो रिस्क है उससे बचने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट, परमानेंट कमीशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। और इसके अलावा कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि नेशनल लेवल पर हाई सिक्योरिटी एम्प्लॉय के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए, और उसका जो एक चेयरमैन होना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। फिर सोशल सिक्योरिटी फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही देखा गया कि आपके सेंट्रल लेवल पर जो वर्क हो रहा है ऐसा ही स्टेट लेवल पर भी वर्क हो। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के अंदर सोशल सिक्योरिटी के टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स को डिसाइड किया गया कि किस किस टाइप की कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम रहेंगी जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर एम्प्लॉय जिनमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सब्सिडाइज इंश्योरेंस की बात की गई, वेलफेयर्स की बात की एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन पार्शली होगा, एम्प्लॉयर का पार्शली होगा इन स्कीम्स के अंदर। ये सोशल असिस्टेंस स्कीम जो रहेंगी वो नॉन कंट्रीब्यूटरी भी होंगी, कुछ ऐसी रहेंगी जिसमें एम्प्लॉयर का ही क्या पार्टिसिपेशंस होगा, वही कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा उन्होंने रिकमेंड किया, जैसे हम देखें जैसे वुमन है, वुमन चाइल्ड लेबर है, हम ये देखें कि यदि हम कोई इस तरीके का नेचर ऑफ वर्क है जहाँ पे हम ट्रेन पर्सन को ही लगा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे चाइल्ड लेबर को लगाया है या फिर हमने वुमन एम्प्लॉय को लगाया है, तो उनको इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं होती, तो हमें स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में उनको नहीं लगाना चाहिए। इनके वुमन के लेबर के स्किल डेवलपमेंट्स की रिकमेंडेशन की गई कि हमें बहुत सारे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने चाहिए जिससे हम क्या करें इनकी स्किल को डेवलप कर सकें। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई, प्रॉपर उसका कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे ही हम देखें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर रहते हैं, जो एम्प्लॉय रहते हैं, वो यदि मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हम कुछ इस तरीके के डिसीजन लेते हैं जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। तो वर्कर या एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन कंट्री की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा गया एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर क्या कंडीशंस है कि जो आपकी एम्प्लॉय की जो है स्थिति है वो सुधरी है। रिव्यू ऑफ वेजेस, वेज पॉलिसी किया गया, जैसे हम गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें तो वहाँ पे एवरी 10 ईयर आपका जो है पे कमीशन आता है, ऐसे यहाँ पे भी वेजेस मिनिमम वेजेस के अंदर रिव्यू किया गया। लेबर्स के डेटा तैयार किए गए, लेबर स्टैटिक्स रिजर्व रिसर्च वर्क इनको तैयार किया गया। तो कमीशन ने इससे रिलेटेड जो 2700 पेज की एक लॉन्ग रिपोर्ट बनाई और उसको क्या किया
एम्प्लॉई जो ट्रेड एम्प्लॉई से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन से उनसे डिस्कशन किया, जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह है, और उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उसको आगे भेज दिया गया। वो उन प्रोविजंस को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और रजिस्टर ट्रेड यूनियन से डिस्कस करने के बाद उनको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि जो लेबर कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, लेबर कमीशन जो है कंट्री के अंदर किस तरीके से एम्प्लॉई के बेनिफिट्स के लिए जो है वर्क करता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें किसी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक्स।